हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको घुमाने वाले हैं गेटसन मार्केट, और थोड़ा सा गेटसन मार्केट के बारे में आपको कुछ बताएंगे, और उसके बाद हम आपको घुमाएंगे गेटसन मार्केट। और अच्छे से आप बने रहें ब्लॉग में और ब्लॉग का आनंद लें। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले गेटसन की बात करें तो गेटसैंड दो शब्दों से बना है, गेर और सैंड, जिसका अर्थ है कि गहरे स्थान वाली समतल भूमि। और दोस्तों, अगर गेटसैंड की बात करें तो गेटसैंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और अगर इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी जाए तो यह उत्तराखंड का एक सेंट्रल में पड़ने वाला एक क्षेत्र है, और यहाँ हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और सब कुछ यहाँ मिल जाता है, इसीलिए इसको उत्तराखंड की सेकेंड कैपिटल के रूप में चयनित किया गया। सो दोस्तों, मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, ये प्यारा सा गेट्स है, और इसको ये हमारा समर कैपिटल है, और 4 मार्च 2020 को इसको मान्यता मिली थी और ये हमारा समर कैपिटल बन गया था। ये आप पीछे देख सकते हो, काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से गेटसैंड का। और अभी आपको मैंने आगे बताया कि गेटसैंड कुमाऊँ और गढ़वाली सब भाषा में, इसका अर्थ है कि ये दो, सबसे पहले तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गेर और सैंड। और गेर का अर्थ होता है कि गहरा स्थान, और सैंड में तो एक समतल भूमि। तो गेटसैंड का कंप्लीट अर्थ है कि गहरे स्थान वाली समतल भूमि। तो ये है गेटसैंड, और शाम को मैं आपको ले जाऊंगा गेटसैंड मार्केट तक, और गेटसैंड मार्केट दिखाऊंगा आपको अच्छे से, और यहाँ से कुछ हवाई अड्डे नज़दीक पड़ते हैं तो वो भी आपको बताऊँगा। तो आप बने रहें ब्लॉग के साथ। और दोस्तों, अभी है दोपहर का टाइम और हम खाने वाले हैं खाना, और मैं रहता हूँ दीदी के साथ, यहाँ आया हूँ कल। और ये है रूम, और यहाँ पे ये दीदी आप देख सकते हो खाना निकाल रही है। हाँ, मिसु है, मिसु हाय कर दो, हाय हाय कर दो। खाना खाएगी कि मार खाएगी? मैं। मार खाएगी? मैं। खाना खाएगी कि मार खाएगी? अभी जरा खाना खाते हैं, उसके बाद करते हैं शाम का ब्लॉक, और मार्केट जाएंगे हम गेटसैंड। ठीक है, खाना खाते हैं, ठीक है अभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी हम जा रहे हैं गेटसैंड मार्केट, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं गेटसैंड मार्केट का नज़ारा। और पीछे आप देख सकते हो ये गेटसैंड, और पहले मास्क पहन लेते हैं क्योंकि मास्क है ज़रूरी। और निकलते हैं मार्केट की ओर, बने रहे आप ब्लॉग के साथ। सो दोस्तों, ब्लॉग की ओर से अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले मार्केट से आगे जो कि महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर आता है, और उसके बाद गेटसैंड मार्केट जो कि स्टार्ट हो जाता है। तो दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, बने रहे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम थाने की ओर से गेटसैंड मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले खूबसूरत नज़ारा दिखता है, और सामने दिखता है महर्षि वाल्मीकि जी का प्यारा सा मंदिर और चिकित्सालय, राजकीय ये कॉलेज ये चिकित्सालय है, और ये प्यारा सा मार्केट गेटसैंड का आप ये देख सकते हो, और ये खूबसूरत नज़ारा। और ये है मेन मार्केट जो कि बीच से लिया गया ये सीन है, काफ़ी सुंदर ये आप देख सकते हो। सो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी शॉप जो कि खुल गई है, जो कि पूरी अभी खुली नहीं है, तो धीरे धीरे अभी शॉप खुलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा गेटसैंड मार्केट। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको दिखाता हूँ गेटसैंड मार्केट का नज़ारा अच्छे से, और ब्लॉग के साथ आप बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, अभी मैं गेटसैंड मार्केट के सेंटर में खड़ा हूँ, और यहाँ से व्यू आप देख सकते हो काफ़ी अल्टीमेट। और जो कि शॉप अभी तो खुली नहीं है क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो थोड़ी देर बाद शॉप भी खुल जाएंगी। तो आप देख सकते हो, यह है गेटसैंड मार्केट का सेंटर वाला भी, और अब हम आपको ले जाते हैं आगे की ओर, बने रहे ब्लॉग के साथ। जैसे ही हम मार्केट से नीचे निकलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये गेट आप देख सकते हो, राजकीय इंटर कॉलेज गेटसैंड का, और ये खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो ऊपर बिल्डिंग है। अभी हम निकलते हैं आगे की ओर, और सबसे अल्टीमेट व्यू तो यहाँ आगे से दिखाई देता है, यहाँ जहाँ पे आगे ग्राउंड है,
और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे मिलता है। तो आप वेट कीजिए, हम ग्राउंड से आपको दिखाते हैं गिरसैंड का नज़ारा। तो ये ग्राउंड आप देख सकते हो और पीछे ये प्यारा सा गिरसैंड जो कि आप ये देख सकते हो, और हल्के हल्के बादल लगे हुए और काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ पे बन रहा है। ये प्यारा सा मौसम और ये प्यारे से खूबसूरत नज़ारे, और ऊपर है राजकीय इंटर कॉलेज गिरसैंड, ये आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत। आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग ये इंटर कॉलेज गिरसैंड की है, और ये आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर मौसम है, और आजकल हर जगह जो कि हरियाली हरियाली है, काफ़ी अच्छा नेचुरल व्यू बन रहा है और काफ़ी प्यारा सा मौसम भी है, और ये आप देख सकते हो। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गिरसैंड ग्राउंड के ऊपर, और पीछे से दिख रहा है प्यारा सा ये गिरसैंड, ये आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ, ये आप देख सकते हो। और ऊपर है राजकीय इंटर कॉलेज का ये गिरसैंड, ये ऊपर देख सकते हो पूरी जो कि बिल्डिंग्स बनी है, तो ये पूरी राजकीय इंटर कॉलेज गिरसैंड की है। और अब हम आपको ले जाएंगे गिरसैंड का जो कि नीचे वाला बाजार मार्केट, तो बने रहें ब्लॉग के साथ। और दोस्तों अब हम आपको ले जाते हैं नीचे वाली मार्केट, और सामने पे यहाँ पे दिखता है गिरसैंड का थाना, और ये सुंदर सा व्यू है जो कि गिरसैंड की नीचे वाले मार्केट की ओर, और ये है कुछ नज़ारा। पहले सबसे पहले सामने पड़ता है दीक्षा भवन लोक निर्माण जो कि विभाग, जो कि गिरसैंड, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ, और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ की सड़क और ये नज़ारा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गिरसैंड के नीचे वाले मार्केट, और यहाँ से जो कि नैनीताल 142 किलोमीटर पे है और हल्द्वानी 171 किलोमीटर पे है, और आगे से दिखाता हूँ नीचे वाले मार्केट का एक सुंदर सा नज़ारा, और उसके बाद आगे ब्लॉग स्टार्ट ही रहेगा, तो आप बने रहें ब्लॉग के साथ। सो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि नैनीताल है 142 किलोमीटर और हल्द्वानी 171 किलोमीटर की दूरी पे, और कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे जो कि द्वाराहाट में, और यहीं आगे एक रेस्टोरेंट टाइप का यात्री विश्राम गृह है काफ़ी अच्छा, तो उसको दिखाते हैं सामने पे। तो दोस्तों आई होप आपने गिरसैंड मार्केट देख लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तो अब मैं जाता हूँ रूम पे, और आज का ब्लॉग हम यहीं पर करेंगे ख़त्म, क्योंकि आपको मैंने गिरसैंड मार्केट भी घुमा दिया और गिरसैंड के बारे में बता दिया। तो अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं राहुल मिलता हूँ आपको फिर से नए ब्लॉग में, तभी तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।